नमस्ते, मैं बोल रही हूँ अनीता की देसी किचन से। आज मैं बनाने जा रही हूँ सांभर और बड़ा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखें सामग्री। ये देखिए उड़द, ये दाल है, अरहर की दाल है, और ये लौकी है, ये कद्दू है, और ये बैंगन है, प्याज है, टमाटर है। इधर देखिए ये अदरक है, ये हरी मिर्च का पेस्ट है, नमक है, हींग है, और ये सांबर मसाला है, ये धनिया पाउडर है, ये अमचूर है, और ये हल्दी है, और ये सांबर ये बड़े का देखिए, ये बड़े काली मिर्च है, अदरक है, और हरी मिर्च का पेस्ट है, और ये उड़द का दाल है जिसको मैंने पेस्ट बना रखा है। चलिए विधि बताते हैं। देखिए अब मैं सांभर बनाने जा रही हूँ। अब गैस जलाइए और कुकर रख लीजिए। कुकर थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो जाए, कुकर हल्का सा गर्म हो जाए तो उसमें 1 चम्मच तेल डालिए। 1 चम्मच तेल डालने के बाद इसमें थोड़ी सी हींग डाल दीजिए। हींग डाल दीजिए, फिर उसमें आप हल्का सा प्याज डाल दीजिए। हल्का प्याज डाल दीजिए, हल्का सा प्याज, हल्का सा ब्राउन हो जाए ब्राउन हो जाए तो देखिए प्याज ब्राउन हो गया। अब इसमें कद्दू डाल दीजिए, लौकी डाल दीजिए, इसमें बैंगन डाल दीजिए, अब इसमें थोड़ा सा सांबर मसाला डाल दीजिए, ये धनिया पाउडर डाल दीजिए, और थोड़ा सा अमचूर, आधा चम्मच अमचूर पाउडर डाल दीजिए, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए, और इसमें टमाटर डाल दीजिए, और अदरक का पेस्ट डाल दीजिए, मिर्ची का पेस्ट डाल दीजिए, और इसमें दाल डाल दीजिए। हल्का सा चला के इसमें आप नमक डाल दीजिए, नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिए, और हल्का सा चला के आप इसमें 2 से 2.5 कप पानी डाल दीजिए, 2 से 2.5 कप पानी डाल दीजिए, 2 से 2.5 कप पानी डाल दीजिए, और फिर इसको आप सीटी लगा दीजिए। सीटी कम से कम 3 से 4 सीटी लगा दीजिएगा इसको। ये देखिए उड़द दाल है, मैंने इसको पीस रखा है। कम से कम 3 से 4 घंटे दाल भिगो दीजिए, फिर पीस लीजिए। पीस के आप इसको पहले खूब बड़े बर्तन में रख लीजिए, खूब इसको हिलाइए। इसको पीस लिया है मैंने, बैटर बना लिया। अब इसको ऐसे करके खूब हिलाइए। इसको देखिए हाथ की मदद से इसको खूब मल लेना है, इसमें मतलब हवा भर लेना है। जितना हल्का होगा उतना बड़ा अच्छा होगा। देखिए इसमें थोड़ा सा काली मिर्च डाल दीजिए, थोड़ी सी मिर्ची डाल दीजिए, थोड़ी सी अदरक डाल दीजिए, थोड़ी सी नमक डाल दीजिए, और इसको फिर हाथ के सहायता से मिला लीजिए। ये देखिए ऐसे सारे सामग्री आप मिला के एक बार इसमें पानी में डाल के थोड़ा सा देख लीजिए, देख लीजिए कि ये हो गया है तैयार कि नहीं, बैटर तैयार हो गया कि नहीं। देखिए तैयार हो गया, ये देखिए कैसे निकल जा रहा है ऊपर। रख दीजिए कढ़ाई, रख दीजिए कढ़ाई में, तेल गरम हो जाए। देखिए तेल गरम हो गया है, और तेल गरम हो गया, आंच थोड़ा धीमा कर लीजिए। बैटर हाथ में पानी लगा के, हाथ में पानी लगा के बैटर का एक गोला बना लीजिए ऐसे, और उसके बाद उसको ऐसे ऐसे करके अब बीच में ऐसे कर दीजिए। ऐसे करने के बाद आप इसको तेल में डाल दीजिए,
देखिए ऐसे तेल में डाल दीजिए, एक साथ दो या तीन डाल दीजिए, एक साथ दो या तीन आप डाल दीजिए ऐसे। देखिए इसको ऐसे ऐसे हाथ से पानी लगा के ऐसे आसानी से बना सकती हैं। देखिए ऐसे कर लीजिए और उसको ऐसे करके ऐसे डाल दीजिए, देखिए कितना आसानी से बन रहा है। देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया, अब ये पक गया है। ये जब हल्का ब्राउन होता है तो थोड़ा सा आंच धीमा कर दीजिए, फिर उसके बाद इसको धीमी आंच पे पका लीजिए, लाल कर लीजिए, थोड़ा सा लाल हो जाए पक जाए अंदर तक इसको पलट दीजिए और पक जाए अंदर तक। देखिए अब ये बन गया है, अब इसको मैं निकाल ले रही हूँ, इसको आप निकाल लीजिए, आपका बड़ा तैयार हो गया है। अब देखिए सांभर को तड़का देने जा रही हूँ, गैस जलाइए और इसमें कलछुल रख दीजिए और इसमें एक चम्मच तेल डालिए, एक चम्मच तेल डालिए इसमें, थोड़ा सा तेल गरम हो जाने दीजिए। तेल गरम हो गया है, इसको यहाँ से इधर कर लीजिए और इसमें सरसों डाल दीजिए, सरसों डाल दीजिए, थोड़ा सा जीरा डाल दीजिए, लाल मिर्च डाल दीजिए। लाल मिर्च डालने के बाद थोड़ा सा चिटक जाए, थोड़ा सा चिटक जाए तो इसको करी पत्ता डाल दीजिए, करी पत्ता डाल दीजिए, थोड़ा सा करी पत्ता हो जाए। देखिए तड़का हो गया है, आप इसको इसमें छौंक लगा दीजिए सांभर में और गैस बंद कर दीजिए और दो मिनट छोड़ दीजिए। हेलो दोस्तों, देखिए तैयार हो गया सांभर है, चटनी है, बड़ा है, आप किसी के साथ भी खा सकते हैं। इस वीडियो आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिख के बताइए कि और आपको क्या क्या बनवाना है। नमस्ते।